सो गाइस, तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को सबसे आसान तरीके में मतलब कुछ स्टेप की फोटो एडिट करके मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग अपने फेस को स्मूथ कैसे करेंगे और फेस को व्हाइट कैसे करेंगे और अपने हेयर को अच्छे तरीके से आप लोग एडिट कैसे करेंगे, इसके बाद आप अपने बैकग्राउंड को अच्छे तरीके से एडिट कैसे करेंगे। और यहाँ पे देखिए नूरल फोटो है, तो आप लोग देख लीजिए कि हेयर कितना बेकार है और फेस भी काफ़ी ज़्यादा खराब है। आप लोग यहाँ पे लाइव प्रूफ देख ही सकते हैं और यहाँ पे मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ कि देख लीजिए फेस पे काफ़ी सारा पिंपल और दना है। और यहीं पे देख लीजिए एडिट फोटो को, तो आप लोग देखिए कि हेयर कितना बवाल है और फेस की बात करें तो ये तो इतना ज़्यादा हार्ड बना है कि अगर आप लोग बनाइएगा अपने फेस को तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आखिर हम भी अपने फोटो को ऐसा एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में आपको इतना इजी तरीके बताऊँगा कि अगर आप लोग एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ मेरे लाइव प्रूफ और गारंटी के साथ कि मैं आपको ऐसा फोटो एडिट करना सबसे आसान तरीके में सिखा दूंगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को सुनने से सबसे पहले लोग स्टार्ट, सिंपली गाइस क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे नॉर्मल फोटो पे, बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। ठीक है, बस आपको यहाँ से अपने फोटो को ओपन करना है। सिंपली आपको लाइट एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, तो जैसे कि आप लोग ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कि लाइट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अभी फोटो अपलोड हो जाएगा तो हो चुका है, तो इस नोटिफिकेशन पर जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर आप लोग पहुंचिएगा। और मैं आप लोगों के लिए एक प्रीसेट बनाया हूँ जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके इसको आप लोग डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा। अगर आपको वहां से करने नहीं आएगा तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, वीडियो में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, बस आप लोग घबराइएगा मत। तो फोटो पे कैसे अप्लाई करना है सीख लीजिए। सिंपली प्रीसेट पर इस तरीके से आपको क्लिक कर लेना होगा, जैसे कि क्लिक करेंगे थोड़ा देर सर्चिंग लेने के बाद यहाँ पे फोटो हो जाएगा और यहाँ से सिंपली हम लोग थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे जैसे कि हम लोग क्लिक करेंगे इस तरीके से और इसको एंड इसको करके क्रॉप केबल छोड़ के और फोटो को डन कर लेना है। ठीक है, और बैक पे क्लिक करना है, बस आपको अपने नॉर्मल फोटो पर आना होगा। बस आप लोगों को जो भी मतलब रिटचिंग का काम होता है मैं आपको वन क्लिक में सिखा दिया हूँ। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप लोग इस जादू को सीख लीजिए, आपको थ्री डॉट पे आ जाना होगा। इसके बाद ना आपको यहाँ पे क्या करना होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे तरीके से पेस्ट सेटिंग आपको कर देना होगा, जैसे कि इस पर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग, तो देखिए कि लाइव प्रूफ की वन क्लिक में हमारा फेस कितना ज़्यादा व्हाइट हो चुका है। आप लोग बोलते हैं ना कि देख लीजिए बिफोर और आफ्टर, देख लीजिए लाइव प्रूफ बिफोर और आफ्टर, बस इतना काम आपको करके और आपको इस वाले फोटो को सिंपली आप लोगों को सेव कर लेना है, जैसे कि मैं इस वाले फोटो को सेव कर लेता हूँ। सो गाइस, तो आप लोग अभी देख लीजिए कि मेरा फोटो सेव हो चुका है एंड फोटो को ओके कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इस वाले फोटो को फिर से ओपन करते हैं स्केटू कैप के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस स्केटू कैप के अंदर आप लोग इस वाले फोटो को ओपन कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, जैसे कि क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे वाला प्रॉब्लम मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होना है, बस वीडियो को देखना है, बस आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना होगा और आपको इसके बाद आपको यहाँ पे इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल पर एक बार बस आपको क्लिक करना होगा और आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस पर आ जाइएगा। ठीक है, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का फोटो यहीं पे शो करेगा जिस भी फोटो को आप लोग सेव किए होंगे। तो एडिटिंग सीखने के लिए काफी ज्यादा आसान है, मैं आपको सबसे आसान तरीके बताऊंगा फोटो एडिटिंग करने का। जैसे कि मेरे भाई लोग, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आता है फेस को स्मूथ करने में और व्हाइट करने में, तो आप लोग देख ही चुके हैं व्हाइट कितना आसान किए हैं और स्मूथ भी इतना ही आसान करेंगे। जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट आ जाना होगा ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर, जैसे क्लिक करेंगे और आपको मैं जो भी ब्रश बताऊंगा उसी का आप लोग यूज कीजिएगा। ठीक है, इस वाले ब्रश का यूज कीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिए और इसको मतलब याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको ऊपर सेटिंग पर जैसे कि आप लोग क्लिक करेंगे, तो जैसे कि मैं सेटिंग पर क्लिक करूँगा और सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना होगा, जैसे कि आप लोग इरेजर है तो इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर मिल जाएगा स्मॉच का ऑप्शन, तो इसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, और बस मैं आपको जैसे जैसे इसका सेटिंग बताऊँगा वैसे वैसे आपको कर लेना है अच्छे तरीके से। मैं आपको अच्छी अभी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका फॉलो जो है 5% एंड स्टेन जो है सॉरी गाइस फॉलो 6 है और स्टेन 5 है, इस दोनों को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और जो भी आपका साइज होगा अपने हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा और यहाँ से कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि इस तरीके से फोटो को जूम करके और इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने फेस के ऊपर इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करना है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड तरीके में आपको एडिटिंग सिखाऊंगा। और अगर आप लोगों को एडिटिंग सीखना है रियली मेरे भाई लोग रियल तरीके वाला, तो ठीक है, तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर रोज इसी तरीके का बहुत ज़्यादा हार्ड फोटो एडिटिंग का वीडियो लेकर आता हूँ। तो अगर आपको सीखना है कंप्लीट फोटो एडिट करना, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हर रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट देता हूँ फोटो एडिटिंग करने का, और न्यू तरीका मैं आपको बताता हूँ फोटो एडिटिंग करने का, ठीक है। तो देख लीजिए कि कितना आसान है फेस को स्मूथ करना। आप लोग लाइव रूप देख लीजिए, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो गाइस, तो आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिए मेरे भाई लोग कि मैं जरा जो भी फेस है मैं इसको अच्छे तरीके से स्मूथ और व्हाइट कर लिया हूँ, ठीक है। तो इतना काम आपको करके और आपको थोड़ा सा अपने लिप्स को रेड करना होगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फीका है। तो इसको रेड कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एक बार, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नोड को क्रिएट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड नोड पे हम लोग क्लिक कर देंगे और इसको सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छे से देख लीजिए वीडियो को और यहाँ से हटेगा, इसको हटा लीजिएगा। सिंपली आप ऊपर ब्रश पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है और जौन सा भी ब्रश हम लोग यूज करेंगे अपने लिप्स को रेड करने के लिए वही वाला ब्रश आप भी यूज कीजिएगा। तो आपको इस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट करके और ऊपर मैं सेटिंग पे क्लिक करूँगा इस तरीके से, और इसका ऑफसिटी को 100 कर लीजिएगा एंड साइज को अपने हिसाब से करके 34 में जैसे अपने हिसाब से 24-25 मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ 33 और मैं कट कर दूँगा, ठीक है। ऊपर कलर पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आपको रेड कलर को सेलेक्ट करके और कट करना है, ठीक है। रेड कलर को लिप्स का कलर रेड ही अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्या करना होगा, कंप्लीट इस तरीके से अपने लिप्स के ऊपर पूरा, मतलब जहाँ पे भी आपको अच्छे से लगे, मतलब पूरा मतलब लिप्स पे अच्छे से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। और बस अब आप लोग एडिटिंग सीख चुके हैं, बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है अपने हाथ से, बस अब सब कुछ ऑनलाइन होगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा सब कुछ वन क्लिक में होगा, बस इतना काम था हमने, मतलब जो भी हाथ से करने का काम था वो इतना तो था, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आसान है अच्छे से कीजिएगा तो ठीक है। तो अब आपको ऑनलाइन सब कुछ सिखा देंगे, इतना काम हो चुका है, ठीक है। इस वाले फोटो को यहाँ हम लोग शेयर कर लेते हैं। सो गाइस, तो हम लोग इस वाले फोटो को सिंपली ओपन करेंगे टूलबीज एप्लीकेशन के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा भी आपको नहीं होना है कंफ्यूज, ठीक है। और थोड़ा सा आपको क्या करना है, इफेक्ट वाले टूल्स पे क्लिक करके और आपको सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक करना होगा यहाँ पे, और आपको थोड़ा सा ऑयल पेंट करना होगा अपने हेयर पे, तो 4 नंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग एंड मार्क्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके और यहाँ से अपने आँख पर का ऑयल पेंट को आप लोग इरेज कर लीजिएगा और लिप्स पर क्या कर लीजिएगा। अगर आप लोग अपने हाथ में घड़ी वगैरह पहने होंगे तो इसको भी हटा लीजिएगा इस पर से, कि दिखने में अच्छा लगे, और आपका सिकड़ी पर से हम भी हटा लिए और थोड़ा सा कपड़ा पर से हटा के और डन कर लेंगे फोटो को। बस इतना काम आपको कर लेना होगा अच्छे तरीके से। बस आपको वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो एडिटिंग आप बहुत आसान तरीके में सीख लीजिएगा, फोटो हो चुका है और फोटो को सेव कर लेंगे, ठीक है। बस इसके बाद थोड़ा सा मोबाइल को ऑन कीजिएगा, अब एडिटिंग आप लोग सीख चुके हैं, समझ ही जाइए कि अब हम लोग सीख ही चुके हैं एडिटिंग, ठीक है। तो बस इस वाले फोटो को आपको फोटो रूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करो, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, और जितना जल्दी आपका नेट फास्ट चलेगा उतना जल्दी फोटो आपका कट करके दे देगा। आप लोग देखिए लाइव रूप यहाँ पे। सो गाइस, तो आप लोग अभी देख लीजिए कि मेरा फोटो कट हो चुका है, तो आप भी फोटो इस तरीके से कट हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना होगा फोटो एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। तो बस आपको क्या करना होगा, मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। बस आपको यहाँ पे मिलेगा एक फोटो एडिटिंग क्लासेस का ऑप्शन और एक नंबर पर ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लिक करके और आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। एंड नीचे बैकग्राउंड पर क्लिक करके और चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक करके इमेज पर आप लोग दिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड को गैलरी में क्लिक करके और मैं एक बैकग्राउंड को ले लूँगा जिसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैकग्राउंड का, तो इस पर क्लिक करके और ब्लर को प्लस करके और जितना ज़्यादा इस बैकग्राउंड को हम लोग ब्लर करना चाहेंगे उतना इसको कर लेंगे अपने हिसाब से 48 करके और डन कर लेंगे, ठीक है। बस मोबाइल को ऑफ कर लीजिएगा इस तरीके से, और ऑफ करने के बाद आपको इस वाले फोटो को अब सिंपली भेज लेना है पिकेट एप्लीकेशन के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा एंड आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं जाके वहाँ से, ठीक है। अलाउ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक वाटर मार्क, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग हटाएंगे, सिंपली इसके लिए हम लोग ऐड फोटो पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ऐड फोटो पे क्लिक करके बस आपको क्या करना होगा, जिस भी फोटो को आप ऑयल पेंट करके सेव किए होंगे उस वाले फोटो को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से बड़ा करके ऊपर इरेजर पेन है और इसको इनवाइट कर लेना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको
इस तरीके से अप्लाई कीजिएगा। हर जगह वन क्लिक का बात है, बस सब आपको इतना काम कर लेना है, ठीक है। अब मेरे भाई लोग आप लोगों को हेयर को अच्छे से एडिट कैसे करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ वन क्लिक में, ठीक है। हेयर पिक को कैसे हम लोग ऐड करेंगे, तो हेयर पीएनजी एक ले लेंगे जिसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हेयर को, ठीक है। तो आप लोगों को मैं हेयर पीएनजी का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और देख लेते हैं हेयर मेरा कहाँ पे है। तो इसको मैं अच्छे से देख लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा हेयर रहा, ठीक है। और इसका मॉडल हम लोग इस तरीके से घुमाएंगे, तो कैसे घुमाएंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, अपने आप इस तरीके में घूम जाएगा। और इसको इस तरीके से बड़ा कर लेंगे, इस तरीके से हम लोग बड़ा करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ऊपर इरेजर पर क्लिक करके हार्डनेस को पूरा 0 और ऑपेसिटी को इस तरीके से 54, और इस तरीके से जो भी स्टार्टअप पार्ट है इसको हम लोग अच्छे से इरेज करेंगे, क्योंकि दिखने में फोटो अच्छा लगे और काफ़ी ज़्यादा मस्त लगे आपको, और आप लोग अपने फोटो को अच्छे से बना पाए और हमारे जैसे अपने फोटो को एडिट कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करके और फोटो को डन कर लीजिएगा। तो आप लोग लाइव रुकेगी कि हेयर कितना बवाल तरीके से एडिटिंग हो चुका है, बस एक पीएनजी को ऐड करना है, ठीक है। मैं जिसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, तो इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे कर लेंगे इसको एक्सेप्ट इस तरीके से, मतलब इस तरीके से इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे ऊपर इरेजर पे क्लिक करके, और इसका जो भी मतलब स्टार्टअप आर्ट है, ये जो फोटो मैप के अंदर आया है, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से इरेज कर लेंगे इस तरीके से। तो देख लीजिए लाइव प्रूफ मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वाले वीडियो को समझ, फिर से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ही और फुल वेलकम, थैंक यू सो मच गाइस।